वर्ष 1750 ब्रिटिश सरकार ने फोर्ट विलियम्स कोलकाता में तैनात सैनिकों को भुगतान करने के लिए पहला वेतन मास्टर नियुक्त किया। समय ने अपना रास्ता अपनाया, संगठन बढ़ता गया, कमांड्स स्थानांतरित हो गए, नियति देश बदल गए, लेकिन विरासत जारी है। दो सौ पचास वर्ष से अधिक की अवधि के इतिहास के साथ रक्षा लेखा विभाग भारत सरकार के तहत सबसे पुराने विभागों में से एक है। भारत की स्वतंत्रता के बाद विभाग को 1 अक्टूबर 1951 को रक्षा लेखा विभाग के रूप में नामित किया गया था। इस प्रकार प्रतिवर्ष 1 अक्टूबर रक्षा लेखा विभाग दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज इस विभाग के करीब 1100 ऑफिसेज हैं और वो करीब 250 लोकेशंस में स्थित हैं। आजकल हमारे यहाँ करीब 20,000 कर्मी कार्य करते हैं और जहाँ तक काम की बात है तो डिफेंस मिनिस्ट्री और उसके तहत आने वाली सभी संस्थानों का पेमेंट, इंटरनल ऑडिट, अकाउंटिंग ऑफ एक्सपेंडिचर, वित्तीय सलाहकार आदि कार्य जो हैं इस विभाग के जिम्मे आते हैं। विभाग के अंतर्गत सभी नियंत्रक कार्यालय कमांड मुख्यालयों के निकट स्थित हैं ताकि उन्हें त्वरित सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाया जा सके। हम भारतीय रक्षा सेवाओं यानी भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना और अन्य रक्षा संबंधित संगठनों जैसे DRDO, आयुध कारखानों, भारतीय तटरक्षक, सीमा सड़क संगठन आदि के लिए सर्वश्रेष्ठ लेखा भुगतान, लेखा परीक्षा और वित्तीय सेवाओं के ध्वज वाहक हैं। रक्षा लेखा विभाग के अधिकारियों की संयुक्त राष्ट्र संगठन के पीस कीपिंग मिशनों में भी निरंतर भागीदारी है। हम लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपए का रक्षा बजट संभालते हैं, जो भारत सरकार के कुल गैर नियोजित परिव्यय का लगभग 26% है। हम रक्षा पेंशनरों, रक्षा असैनिक पेंशनरों और उनके परिवारों को पेंशन की मंजूरी और वितरण करते हैं। वर्तमान में हम लगभग 32.35 लाख लोगों की सेवा कर रहे हैं। पेंशनरों की समस्या के निवारण के लिए हम वर्ष 1987 से हर वर्ष देश के विभिन्न स्थानों पर पेंशन अदालतों का आयोजन कर रहे हैं। नवीनतम पेंशन अदालतें वर्ष 2019 में रांची, चंडी मंदिर और पांवटा साहिब में आयोजित की गई हैं। हमारा निरंतर प्रयास रहा है कि सूचना प्रौद्योगिकी एवं अन्य विश्वस्तरीय सेवाओं का इस्तेमाल करके सभी संबंधित रक्षा संगठनों को सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। इस संबंध में हमारी कुछ सूचना प्रौद्योगिक पहलों में डिफेंस ट्रेवल सिस्टम, डॉल्फिन, ट्यूलिप, ई सूचना, रक्षा आवास, आश्रय, न्यू कंपाइलेशन सिस्टम आदि शामिल हैं। हम अपनी सेवाओं में उत्कृष्टता सुनिश्चित करने के लिए प्रवीणता का प्रयास करते हैं। नेशनल एकेडमी ऑफ डिफेंस फाइनेंशियल मैनेजमेंट और RTCs को विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया था। विजन 2024 के तहत 5 प्रोजेक्ट लिए हैं जिनको हम उम्मीद करते हैं कि 2024 तक पूर्णतया इम्प्लीमेंट कर देंगे। ये पेंशन के फील्ड में है, सेंट्रलाइज्ड पे अकाउंटिंग सिस्टम है, डिफेंस ट्रैवल सिस्टम है। ये एक बड़ा कदम होगा जो डिजिटल इंडिया की तरफ ले जाएगा हमें। हम सार्वजनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कुशल और शीघ्र लेखांकन, भुगतान, वित्तीय सेवाएं और प्रभावी लेखा परीक्षण सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम हैं रक्षा लेखा विभाग, देश की सेवा में पूर्णता समर्पित।